बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंडिया स्टेट्स मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने पेपर शुरू किया था ASDEOs का, पेपर 26/11/2020 को खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए हो चुका है। इसका पार्ट वन ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं और इस वक्त पार्ट सेकंड अपलोड कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाले आइकन को भी क्लिक करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजिमी क्या करें। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 से। क्वेश्चन नंबर 22 देखे दोस्तों, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोहिबिटेड नॉलेज वॉज फर्स्ट प्रेजेंटेड बाई अल गजाली। ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले अल गजाली ने पेश किया था प्रोहिबिटेड नॉलेज का। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 23, हु सेड इंस्ट्रक्शन इन फॉरेन लैंग्वेज इज हाफ इंस्ट्रक्शन। फॉरेन लैंग्वेज यानी मदर, एक मदर लैंग्वेज और दूसरा फॉरेन लैंग्वेज में अगर आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं तो तलबा को दो दफा समझाना होगा, तो इसलिए कहते हैं कि इन फॉरेन लैंग्वेज इट इज हाफ इंस्ट्रक्शन। और ये अल्फाज जॉन डेवी के हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 देखे, एविसीनाज बुक अल शिफा डील्स विद। अल शिफा डील विद केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी। ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी है। एंड क्वेश्चन नंबर 25 देखे, एविसीना हैज डिवाइडेड नॉलेज इनटू थ्री ब्रॉड कैटेगरीज। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है इसमें। और क्वेश्चन नंबर 26 देखे, अकॉर्डिंग टू एविसीना द एडवांस साइंसेस, द एडवांस साइंसेस हैव नो कंसर्न विद मैटर, हैव डायरेक्ट कंसर्न, हैव नो कंसर्न। ऑप्शन ए करेक्ट है इसमें। और 27 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ द लाइफ इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर लर्निंग नियर जरनोगी। जरनोगी के नजदीक जो है ना, देट इज एडोलसेंस। दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेज फॉर लर्निंग। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन सी, न्यू एडोलसेंस। आई थिंक ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन आई थिंक ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 28 देखे, 28 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइमिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइमिंग इज अप्रोप्रिएट फॉर लर्निंग नियर जरनोगी, बिफोर डॉन। ये याद रखे दोस्तों, डॉन से पहले यानी फजर की नमाज से पहले का वक्त जो होता है ना, बहुत ही खामोश और जहन फ्रेश होता है उस वक्त। और उस वक्त जो कुछ याद किया जाता है वो भूला नहीं जाता। तो इसको लाजमी, अगर आप तरक्की करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं पढ़ लूं, तो ये आदत डाल ले कि रात को ईशा की नमाज के फौरन बाद सोया करे और सुबह फजर की नमाज से 1.5 घंटा 2 घंटा पहले उठा करे, तहज्जुद की नमाज भी पढ़ा करे, तिलावत थोड़ा सा करे और फिर स्टडी करे, बहुत ज्यादा फायदा होगा। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 29 देखे, जरनोगी होल्ड दैट राइटिंग अप टू लेटर विद अंडरस्टैंडिंग इज बेटर देन मेमोराइजिंग ऑफ टू बिग बुक्स। ऑप्शन ए करेक्ट है। कहते दो लफ्ज
समझ कर लिखना उससे बेहतर है कि आप जुबानी कलामी दो किताबों को, बड़े बड़े किताबों को याद करें और समझे ना। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, हु होल्ड्स डेट सिक्स सिंस इज अ सुपरवाइजर फ्रॉम ऑफ इंट्रोलिक। छत्तीस सिंस की बात है, ये अल्फाज किसके हैं? दिस इज एविसीना, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी है। और क्वेश्चन नंबर 31 देखे, 31 नंबर क्वेश्चन, द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन इन द इस्लामिक स्कूल्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वॉज पर्शियम। पहले तालीम पारसी में दिया जाता था सब कॉन्टिनेंट में, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। और क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट वॉज अडॉप्टेड बाय मुल्ला निजामुद्दीन। मुल्ला निजामुद्दीन डिफिकल्ट बुक्स ऑन वेरियस अकेडमिक डिसिप्लिन शुड बी स्टडीड, ऑप्शन ए। और क्वेश्चन नंबर 33 देखे, 33 नंबर क्वेश्चन, दरसी निजामी वॉज लॉन्च इन हमायूं के दौर में हुआ था, द एज ऑफ एम्पायर हमायून, ऑप्शन सी है। और क्वेश्चन नंबर 34 देखे, इन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ द मुस्लिम्स इन द सब कॉन्टिनेंट द अमोक्ता मेथड वॉज इंट्रोड्यूस्ड, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द एलिमेंट्री लेवल ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और 35 नंबर क्वेश्चन को देखे दोस्तों, द लिटरल मीनिंग ऑफ करिकुलम, करिकुलम रास्ते को कहते हैं, सीधा रास्ता, न्यू रोड, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है, पाथ। क्वेश्चन नंबर 36 देखे, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज नॉट इंक्लूडेड इन कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम, करिकुलम के कॉन्सेप्ट में कौन से पॉइंट्स इंक्लूड नहीं है। करिकुलम इज कन्फाइंड टू टेक्सचुअल कॉन्टेक्स्ट, करिकुलम सिर्फ दर्सी किताबों का नाम नहीं है बल्कि इसमें को करिकुलम एक्टिविटीज भी शामिल है, करेक्ट ऑप्शन इज सी। और क्वेश्चन नंबर 37 देखे, अकॉर्डिंग टू होम दीज आर फोर एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन नेचर, द सेज इंटेलेक्ट जिसको कहते हैं, द पिग लस्ट, द डॉग एंगर एंड द डिवल ब्रुटैलिटी। ये अकॉर्डिंग टू अल गजाली, ऑप्शन सी है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। और क्वेश्चन नंबर 38 देखे, हु कंसीव्ड अ हायरार्की ऑफ मोटिव्स एट द पीक ऑफ विच इज अ नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। देखिए ऑप्शन बी, मोसोलो, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। और 39 नंबर क्वेश्चन, द नीड फॉर नोइंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द सेल्फ गेव बर्थ इज बर्थ टू, दिस इज एंथ्रोपोलॉजी, आई थिंक एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन बी। और 40 नंबर क्वेश्चन को देखे, विच पॉलिसी ऑफ एजुकेशन ऑफ द ब्रिटिश पीरियड इज कॉमनली नोन एज वेरिएंट ऑफ स्लेवरी, वेरिएंट ऑफ स्लेवरी जो है ना, दैट इज ऑप्शन डी, वुड्स डिस्पैच पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 41 देखे, 41 नंबर, लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरमेंट इज अ टर्म कॉमनली यूज्ड इन, इट इज यूज इन स्पेशल एजुकेशन, ऑप्शन सी है। और 42 नंबर क्वेश्चन को देखे, ट्रांसी इज, ट्रांसी इट इज सम स्टूडेंट्स रन अवे फ्रॉम द स्कूल, ऑप्शन ए है।
और 43 नंबर क्वेश्चन कहे थे द डल चिल्ड्रन रिक्वायर्ड, कौन से हैं स्टूडेंट्स को किस चीज की जरूरत है दोस्तों, डायरेक्टिव काउंसलिंग। सीधा साधा उसको अपने सामने बिठाकर उसको काउंसलिंग करें उसके साथ। और 44 नंबर क्वेश्चन देखिए द सेंट्रल पॉइंट ऑफ गाइडेंस इज, गाइडेंस का सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट सेल्फ होता है अपने आप, इज द सेल्फ ऑफ एन इंडिविजुअल, ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, पसंद आने की जरूरत में प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।